केप्लर्स लॉ इन वन शॉट देखिए, केप्लर्स लॉ फर्स्ट लॉ क्या है, एवरी प्लेनेट अराउंड द सन रिवॉल्व्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट जी, अर्थ भी वही हाल है, एवरी प्लेनेट पे ये भी आ जाएगा इस तरह जो है कि रिवॉल्व्स करता है, एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखिए इस तरह जो है मूव कर रहा है ये, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो पाथ है यहाँ पर सबसे, देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर होगा अर्थ का, ये सबसे नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पोजीशन को लोग कहते हैं पेरिहेलियन कहते हैं, और जो दूर होगा, देखिए यहाँ पर जो अर्थ है वो सन से सबसे अधिक दूर होता है, तो इसको कहते हैं एफेलियन, ए पी एच पी एच ई एल आई ओ एन, एफेलियन कहते हैं, ए पी एच ई एल आई ओ एन, एफेलियन। तो अब पहला नियम है जो पाथ का नियम है, क्या है, लॉ ऑफ पाथ भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ पाथ इसको कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि एवरी प्लेनेट्स अराउंड द सन रिवॉल्व्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इन विच सन इज एट वन फोकी, ये ध्यान देना आपको, तो ये आपका पहला नियम है। दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम है इसमें, दूसरा जो लॉ है यहां पर देखिए अर्थ है ये इस तरह देखिए यहां पर, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ध्यान देना है यहां पर क्या बोला गया, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, अर्थात अगर डेल्टी हम लेते हैं यहां पर, और डेल्टी यहां पर तो क्या होगा, ध्यान देना है एरिया सेम कट करेगा, तो एरिया कितना होता है इसको अगर हम थोड़ा सा दिखा दे आपको, अगर एरिया की हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो ये देखिए v है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, v डेल्टी हो जाएगा, और ये देखिए r है आपका, ये भी r है, तो एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, तो डेले बराबर कितना होगा, तो इसको हम लोग ट्रेंगल की तरह ट्रीट कर ले, हाफ r इंटू वी डेल्टी, तो डेले बाई डेल्टी कितना होगा, हाफ और ये आर इन टू वी हो जाएगा, पीच कल टू होता एम वी, तो वी का मान हम लोग निकाल सकते हैं पी बाई एम, इसको यहां पुट कर दें, तो डेल ए बाई डेल टी ये हो जाएगा आपका हाफ आर, और देखिए पी बाई एम हो जाएगा, आप जानते हैं यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ये आर है और ये आपका वी है, ये 90 डिग्री बन रहा है यहां पर, तो L बराबर आप जानते हैं R क्रॉस P होता है, L बराबर क्या होगा RP साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री होगा तो कितना होगा L इक्वल टू RP, तो ये जो आपका निकला यहां पर डेल A बाई डेल T ये हो गया आपका L बाई 2m हो जाएगा, देखिए यहां पर ये L हो जाएगा, देखिए यहां पर एंगुलर मोमेंटम, देखिए यहां पर तो m तो कांस्टेंट है, अब L कैसे कांस्टेंट है उसको देख ले हम लोग, तो ध्यान दीजिए यहां पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है यहां पर, और ये आपका ध्यान देना होगा ये r का डायरेक्शन है, देखिए यहां पर तो टॉर्क अगर हम निकालेंगे तो टाउ बराबर क्या होता है r क्रॉस f होता है, यहां पर देखिए एक ही लाइन में जब दोनों रहेगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहां पर, तो टॉर्क जीरो कब होता है जब l कॉन्स्टेंट होता है, l क्या होगा आपका कॉन्स्टेंट हो गया यहां पर, तो यहां से क्लियर हो गया कि L भी कांस्टेंट और 2m भी कांस्टेंट है, तो डेल ए बाई डेल टी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, तो यहां से ये प्रूफ हो जाता है कि द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ये आपका प्रूफ हो जाता है, अर्थात डेल ए बाई डेल टी जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा,
ये है आपका केपलर सेकंड लॉ। अब देखिए यहां पर थर्ड लॉ के बारे में हम लोग बात कर लें। थर्ड लॉ स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, देखिए यहां ध्यान देना थोड़ा सा, फिर से एक बार इसको कर दें। देखिए ये है मेजर एक्सिस को बोलते हैं, ये मेजर एक्सिस है, ए बी आपका मेजर एक्सिस है, ए बी क्या हो गया मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। अगर हम ओ बी या ओ ए ले ले, ओ ए या ओ बी, तो ये हो जाएगा आपका सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा। उसी तरह सी डी क्या होगा, ये और सी डी जो है आपका क्या है माइनर एक्सिस है। लेकिन अगर ओ सी की बात करें, ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये क्या होगा सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा, माइनर एक्सिस हो जाएगा। एक चीज और आपको ध्यान देना है, यहां पर हम लोग इलिप्स का इक्वेशन जानते हैं, बी स्क्वायर इलिप्स पे। एक चीज और ध्यान दीजिए आप, इलिप्स पाथ को थोड़ा हम लोग समझ ले एक बार कि इलिप्स किसको कहते हैं। तो देखिए अगर यहां पर दो फोकस है, अगर एफ वन है एफ टू है, तो देखिए यहां पर से पॉइंट जो होगा, देखिए यहां पर एल वन है एल टू है, और इस पर अगर कोई पॉइंट ले ले यहां पर इसका एल थ्री है एल फोर है, तो ये कॉन्स्टेंट रहेगा हमेशा। एल वन एल टू इसका सम और एल थ्री एल फोर का सम हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, ध्यान देना है। इस पॉइंट यहां अगर पॉइंट पी है, अगर फोकस से मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के सम के बराबर हो जाएगा हमेशा। ये ऐसा जहां भी फॉलो करेगा इसी को एलिप्स कहेंगे, ये ध्यान रखना है हमेशा जो है कि। अब देखिए यहां पर इसको हम लोग का प्रूफ कर ले, क्या कह रहा है यहां पर, देखिए यहां पर ध्यान दे रहा है इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। तो फिर से एक बार फिगर को स्केच कर ले, जैसे मान लिया जाए ये सन है और अभी ये अर्थ मान ली है, इसको एम मान ले और इसको एम मान ले, ये आपके अभी जो है कि आर डिस्टेंस पर है, तो कितना इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। देखिए एम से एम कैंसिल, जी एम बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आर यहाँ, और ये टू पाई बाई टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जी एम बाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, यहां से हम ले सकते हैं टी स्क्वायर को इधर लाइए, क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय जीएम, और ये हो जाएगा आपका आर की, यहां से देखिए प्रूफ हो जाता है। ये कांस्टेंट टर्म है, देखिए यहां पर ये तो चेंज होगा ही नहीं, ये मास ऑफ सन है ये नहीं चेंज होगा, यहां पर ध्यान दीजिए कैपिटल जी नहीं चेंज होगा, 4 पाई स्क्वायर नहीं चेंज होगा, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की। यहां से एक रिलेशन ले सकते हैं टी वन बाई टी टू का होल स्क्वायर इक्वल टू आर वन बाई आर टू का होल क्यू हो जाएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल एक ले ले यहां पर कि अगर मान लिया जाए कि अगर जब आर रेडियस है इसका, तो अगर टाइम पीरियड टी है तो फोर आर पर कितना होगा, ये अगर निकालना हो इस तरह तो कैसे निकलेगा। देखिए इसमें रख दीजिए आपका आ जाएगा, तो कितना होगा टी वन, और ये होगा आपका टी टू का होल स्क्वायर, और ये आर फोर आर का होल क्यू हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा, रूट चला जाएगा उधर, टी वन बाई टी टू वन बाई एट, तो टी टू कितना होगा 8t1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना टाइम्स हो गया। अगर मान लिया जाए कि सन और किसी प्लेनेट के बीच में अगर आर दूरी हो और उस समय उसका टाइम पीरियड टी है, तो किसी ऐसे प्लेनेट जिसका कि 4r अगर रेडियस हो, तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, आप आराम से बता सकते हैं इसको। ओके